हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त विकास पंत स्वागत करता हूँ अपनी न्यू वीडियो पर। दोस्तों, शाम के बज रहे हैं अभी 3:30 के आसपास और अभी मैं हूँ घर में। और दोस्तों, आज काफ़ी लेट से मैं ब्लॉग बनाना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आज, जैसे कि मैं आपको कल बता रहा था कि घर में काफ़ी काम है और आज घर में सुंदरकांड भी है, तो उस कारण से मैं आज घर में काम ही कर रहा था। तो काम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, खले के आगे इतनी मट्टी फैली पड़ी है, इसको मैंने वहाँ तो मैंने अभी कूट दिया है और इसको मैंने अभी यहाँ जहाँ 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 यहाँ पर खड्डा हो रहा है और एक ही सीध में लेके मैंने इसको दाबना है ताकि लोग शाम को आए तो वो ये ना कहें कि खला कैसा हो रहा है, लोग आए तो उन्हें अच्छा लगना। तो इस काम से मैं अभी काम पे करते हैं, फटाफट फिर मिलते हैं आपको। और दोस्तों, यह हमारी रसोई जो कि बन के हो चुकी है तैयार। यह इसका फर्श, ये देखिए, टोटल कम से कम 20 दिन में इसका और कोट का काम कंप्लीट हुआ है और इसमें लाइट फिटिंग भी हो गई है, मतलब छोटी मोटी नॉर्मली सी जो कि हमें करनी थी हुआ हो गई है। सही है ना दोस्तों, सही लग रही है बिल्कुल एकदम बढ़िया। क्योंकि पहले तो ऐसा भी नहीं था, पहले तो आपने देखा ही था कैसा था, बिल्कुल कच्चा था एकदम। और अब क्या करना है, इसमें एक काम हो रहा है कि इसमें कल एक तो इसमें दरवाज़ा फिट होना है और एक इसमें होनी है जाली फिट, ताकि बंदर जो जो भी आते हैं वो अंदर ना पाए, क्योंकि उन्हीं के उससे ये सब काम हुआ है। बंदरों को भी हमने थैंक्स बोलना पड़ेगा क्योंकि उनके कारण ये सब बन पाया है। अगर वो नहीं आते तो शायद नहीं बनता। तो वो तो आएंगे, वो आना तो छोड़ेंगे नहीं। आजकल गेहूँ कटाई हो गई तो इस कारण तो वो आने नहीं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है गाँव में। और हमारा सामान भी जो है कि यहाँ नहीं है, वो सब हमारे मंदिर वाले कमरे में है, तो इस कारण से उन्हें यहाँ से भी कुछ नहीं मिलता है, तो इसलिए वो आ नहीं पा रहे हैं। अब वो जब भी आएंगे तो हमें सावधान होना पड़ेगा। और पहले सारा सामान यहाँ पे हमने कल करना है शिफ्ट, इसीलिए आज कर रहे हैं सुंदरकांड, ताकि सामान शिफ्ट होने से पहले एक बार एक सुंदरकांड हो जाए, फिर हम करेंगे यहाँ पे सारा सामान शिफ्ट। चलिए दोस्तों, काम बहुत है और समय को मैं ख़राब नहीं करूँगा। अब मैं जा रहा हूँ सीधे काम पर। चले दोस्तों, फाइनली सीध तो मैं इसकी ले आया हूँ। अब इसे ज़रा सी दुरमुट से कूटना है, फिर थोड़ा बहुत प्लेन हो जाएगा और देखने में भी अच्छा हो जाएगा। तो करता हूँ मैं इसे फटाफट, इस काम को कंप्लीट कर। दोस्तों, फाइनली काम हो चुका है कंप्लीट और मैं जा रहा हूँ ताई लोंग के यहाँ, जरा उनसे लेके आनी मैंने पल्ली। दोस्तों, शाम का टाइम है और मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है अभी, और आप देख पा रहे हैं कि खेतों के सारे गेहूं कट चुके हैं और
फ़ोन की बैटरी भी मेरी लो है, तो मैं जा रहा हूँ अभी ताइलोंग के वहाँ, क्योंकि मैंने ताइलोंग के वहाँ से लेके आनी है तिरपाल, क्योंकि आज शाम को है हमारे घर में सुंदरकांड का आयोजन। दोस्तों फाइनली मैं तिरपाल लेके आ चुका हूँ ताइलोंग के वहाँ से, अब चलते हैं घर। पहले एक काम, अभी कुट्टी काटनी है, फिर नहाना है, क्योंकि हालत बहुत गंदी हो रही है, तो चलते हैं फटाफट काम करते हैं। बिल्लो ले, बिल्लो की हो गया, तो शाम के बजने वाले हैं 7:30 और सारे काम हो चुके हैं कंप्लीट, और अब सुंदरकांड करने के लिए लोग बस आने वाले होंगे, तो उनका इंतजार हो रहा है।